नमस्ते इंडिया। देखिए, पैरों में से पसीना और बैक्टीरिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा बदबू फैल जाती है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जब आप जूते पहनते हो, सॉक्स और जूते पहनते हो, तो जूतों में से बदबू आना बहुत ही कॉमन चीज़ है, मगर ये आपको तब शर्मिंदा करती है जब बहुत सारे लोगों के बीच में आपको अपने जूते निकालने पड़ते हो या तो फिर ऑफिस के स्टाफ के सामने आपको जूते निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जैसे ही आप अपने पैर जूते में से बाहर निकलते हो तो जूतों में से पूरी तेज़ स्मेल जो है वो पूरी रूम में फैल जाती है और आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने जान पहचान में आपको ये ट्रिक जो है, वीडियो जो है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। जूतों में से बदबू को हटाने के बारे में अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा आपकी मदद कर सकता है। देखिए, बेकिंग सोडा अपने बैक्टीरिया को और दुर्गंध को, बदबू को मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आपको क्या करना है कि जिस जूतों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो उसमें से एक एक चम्मच, आपको एक पैर में एक चम्मच बेकिंग सोडा का पाउडर अच्छे से बिछा देना है। रात को आपको ये बेकिंग सोडा अच्छे से फैला देना है, फिर आप सुबह में अपने जूतों को चेक करोगे तो उसकी बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और दुर्गंध भी बहुत ही हद तक कम हो जाती है। देखिए, सबसे आसान तरीका है, बेकिंग सोडा बदबू को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके घर में नींबू या तो फिर संतरे के छिलके पड़े हो तो भी आप अपने जूतों की बदबू उससे ठीक कर सकते हो। आपको क्या करना है, पूरी रात नींबू के छिलके या तो फिर संतरे के छिलके अपने जूतों में ऐसे ही छोड़ देना है, फिर सुबह होते ही उस छिलकों को फेंक देना है। आप देखोगे कि अपने जूतों में से बदबू जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। देखिए, कई लोगों को पैरों में से ज़्यादा पसीने आने की दिक्कत होती है। अगर आपको भी पैरों में से बहुत ही ज़्यादा पसीना आता हो तो आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। डिओड्रेंट का जब आप इस्तेमाल करते हो तो बैक्टीरिया को वो पनपने से रोकता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आता हो तो आपको ऐसे सॉक्स पहनने चाहिए जो कि पसीने को अच्छे से सोख ले, जैसे कि कॉटन के मोज़े होते हैं, आप कॉटन के सॉक्स पहन सकते हो जिससे कि आपको कम पसीना आएगा और आपका जो पसीने की वजह से जो भी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिसके चलते बदबू आती है तो वो दिक्कत भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आप अपनी ये जूतों में से बदबू आने की दिक्कत को रोकना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप फॉलो ज़रूर करने चाहिए। देखिए, कभी भी एक ही सॉक्स बार बार यानी कि रोज़ाना नहीं पहनना चाहिए। इसके लिए आपको दो से तीन पैर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि तीन से चार आपके पास अलग अलग जूते के लिए ऑप्शन होना चाहिए। जब आप रोज़ अलग अलग जूते पहनोगे तो ये बदबू की दिक्कत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आपको कभी भी गीले जूते कभी भी नहीं पहनने चाहिए। देखिए, एक तो आपको पसीना होता है और आप जब गीले जूते पहनते हो तो बहुत ही ज़्यादा बदबू फैल जाती है। अगर आपके पास जूते जो है वो बहुत ही ज़्यादा गीले हो गए हैं तो आपको तुरंत ही उसको धूप में सुखा देना चाहिए या तो फिर उसको हवा के नीचे, पंखे के नीचे आपको उसको सुखा लेना चाहिए। और आपको सॉक्स जो है वो कॉटन की सॉक्स आपको ज़्यादा पहननी चाहिए जिससे कि कम पसीना आता है और बदबू की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है।